Hello and good morning to, no not good morning, good afternoon to all of you. Mitro, meri aawaz aapko kya barabar se aa rahi hai? Hello. Okay, very nice. Mr. Kadir, Anmol Agarwal, Hira Kumar, Tandel, Ganveer and all of you. Okay. अभी एक मिनट बाकी है, उसके बाद हम ये लेक्चर शुरू करेंगे. बिकॉज़ आई हैव टू स्टार्ट शार्प एट 2 PM. ओके फ्रेंड्स, आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं. आज हमारा विषय है UPSC 2019, और उसमें पहला अटेम्प्ट देने वाले बच्चे वो क्या गलतियां करते हैं और उनसे कैसे सावधान हमने रहना है. इन गलतियों को मैं तीन प्रकार के कैटेगरीज में विभाजित करता हूँ. फर्स्ट आई वुड से टेक्निकल पिटफॉल्स, देन रिसोर्स पिटफॉल्स एंड एटीट्यूडनल पिटफॉल्स. एक एक करके इन पे हम बात करेंगे. सबसे पहला है अपना टेक्निकल पिटफॉल्स. उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम जरा यूपीएससी का कैलेंडर देख लेते हैं. दिस इज़ द टेंटेटिव कैलेंडर फॉर द 2019. मित्रों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 19 फरवरी 2019 को. उस वक्त आपने केवल ऑनलाइन अप्लाई ही करना है. उसमें कोई आपने सर्टिफिकेट नहीं भरने होते, कोई आपने मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं डालना. हावेवर, ये जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें आपने लिखना होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा, एंड सेकेंडली अपना मेंस का एग्ज़ाम क्या है, सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें पूछता है. एक बार जब आपने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया, अपनी प्रीलिम एग्ज़ाम है 2 जून को, और पिछले 2 सालों का हम अगर ट्रेंड देख के चले तो प्रीलिम परीक्षा होने के 40 दिनों के बाद में उसका रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद आपने एक अलग से नया फॉर्म भरना पड़ता है मेंस परीक्षा के लिए, जिसे हम बोलते हैं DAF फॉर्म. अब ये DAF फॉर्म आप सोच के चलिए कि करीब मिड जुलाई के अंदर ये हो जाएगा. उस वक्त आपने इस DAF फॉर्म के साथ अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसका सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपने ऐड करनी होती है. उसके बाद अपनी मेंस एग्ज़ाम होने वाली है. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 20 सितंबर. 5 दिनों का कार्यक्रम होगा. अब ये कार्यक्रम कुछ इस तरह से होता है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे एग्ज़ाम, फिर पूरा वीकडेज में छुट्टी, और फिर वापस वीकेंड्स में परीक्षा. इस प्रकार से अब 2018 में हमको टाइम टेबल देखने को मिला था. अब मेंस परीक्षा में भी पिछले 2 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो करीब 70 दिनों के अंदर वो रिज़ल्ट दे देते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू सोच सकते हैं कि दिसंबर जनवरी में ये होगा, एंड योर फाइनल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन दिस मेंस एंड इंटरव्यू. अब ये ज़रा कैलेंडर समझ लिया तो हम टेक्निकल पिटफॉल्स मिस्टेक्स पे आते हैं. मैंने आपको बताया कि फरवरी में प्रीलिम का फॉर्म भरोगे, प्रीलिम आप पास हो जाओगे तो जुलाई में एक दूसरा फॉर्म भरना है जिसे बोलते हैं मेंस फॉर्म या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. अब ये लेट मी चेक. ओके, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? ओके, ऑडियो इज क्लियर आई सपोज. ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फेब्रुआरी 2019 में आप प्रीलिम का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्लियर किया तो जुलाई 2019 में वापस एक फॉर्म भरना है मेंस फॉर्म, जिसे आप बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. अब यहाँ पर आप समझिए कि प्रीलिम के अंदर आपने जो फॉर्म में डिटेल्स दी हैं उसमें से कुछ डिटेल्स वापस आपके मेंस फॉर्म में प्री पॉपुलेट होकर आ जाएंगी, मतलब कि वो आप चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रीलिम में आपने अगर लिखा हो ऑनलाइन फॉर्म में कि मुझे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अहमदाबाद चाहिए, तो उसके बाद मेंस एग्ज़ाम का जब ये फॉर्म आएगा तो अपने आप वो वहाँ पर अहमदाबाद ही दिखाएगा. इसको मैं ऐसे क्लिक करूँ तो वो ड्रॉप डाउन करके दिल्ली बदल नहीं सकता. इसका मतलब कि आपने पहले से प्लान करना है कि प्रीलिम और मेंस एग्ज़ाम मुझे कहाँ पर ओके, थैंक यू. हाँ, कुछ लोगों को कुछ ऑडियो वीडियो इशू आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको रिफ्रेश करें. ऑन माय एंड आई थिंक यहाँ पर तो बराबर चल रहा है. ओके, थैंक यू. हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपने जो प्रीलिम का आपका एग्ज़ाम सेंटर है वही आपका मेंस एग्ज़ाम सेंटर रहता है,
तो अगर आपने ऐसा सोचा है कि मैं प्रीलिम परीक्षा खत्म होने के बाद दिल्ली चला जाऊं और वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का मुझे कोचिंग लेना है, तो फिर आप समझिए कि उस वक्त ऐसा नहीं आप बदल सकते कि मुझे दिल्ली के अंदर मेन सेंटर रखना है, आपने वापस अहमदाबाद आना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू। सो पहले से सोच के रखना कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देनी है। वो इसलिए क्योंकि सपोज़ आपने बोल दिया दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर एक तो एकोमोडेशन और फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर पर हो, तो आने जाने में भी आपके 2-4 घंटे लग जाएं, और फिर दूसरे दिन परीक्षा का रिवीजन करने के लिए इतनी स्फूर्ति रहे ना रहे। तो उन सभी चीज़ों को मायने रखते हुए या तो आप प्रीलिम का सेंटर ही ऐसा चूज़ कर लो कि अपने स्टेट में, राइट, या फिर कि दोनों चीज़ दिल्ली में। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। सेकंड, प्रीलिम फॉर्म में आपको पूछ लेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है, और फिर प्रीलिम आपने क्लियर किया, मेंस के लिए नया फॉर्म भरवाएंगे तो आप ये ऑप्शनल को चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर ऐसा क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन करके वो ऑप्शनल बदलने नहीं देगा। सो द पीपल हु आर स्टिल अनडिसाइडेड अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मित्रों ये 19 फरवरी से पहले आपने दिमाग में कर लेना है कि मुझे कौन सा ऑप्शनल रखना है, वरना प्रीलिम फरवरी में उसका फॉर्म भरते वक्त आपने कुछ लिख दिया ऑप्शनल में, तो फिर आप प्रीलिम क्लियर करने के बाद उसको बदल नहीं सकते। दिस हैज हैपन टू, आज से 2 साल पहले एक विद्यार्थी था, मुझे याद है, उसने हिस्ट्री ऑप्शनल, उसे लगा कि ये ठीक रहेगा, बट आफ्टर द प्रीलिम्स उसे लगा कि सर ये तो सिलेबस नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। एंड इंटरेस्टिंगली दैट गाय ऑल्सो क्लियर द प्रीलिम्स, तो फिर हिस्ट्री के साथ ही उसने मेंस देना पड़ा। वो साइकोलॉजी करने की उसकी इच्छा थी बट कर नहीं पाया। अब यहाँ पर थोड़ा समय लेकर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड सो ऑन। कुछ जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी, तो मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखूँ। बैड माउथिंग, बैड माउथिंग मतलब कि कोई व्यक्ति 2-3 बार परीक्षा दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसे ज़रा लगता है कि मेरा ऑप्शनल ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे सीनियर प्लेयर से बात करेंगे तो वो आपको हमेशा ऐसे ही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज से 2 साल पहले कुछ ट्रेंड ऐसा था, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी दोनों ही मिलते जुलते ऑप्शनल बोल सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, लेकिन कुछ ट्रेंड ऐसा था कि पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क आते हैं, सोशोलॉजी में थोड़े कम मार्क आते थे, तो लोग बोलते हैं नहीं उसको नहीं रखना चाहिए, नाउ अगेन दे आर सेइंग कि रखना चाहिए। तो केवल एक बैड माउथिंग, कोई अच्छा बुरा बोले, उससे आपने तय नहीं कर लेना चाहिए। सेकंड, मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडीज़ के 4 सब्जेक्ट हैं। अब वहाँ पर हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 मीन्स का, वहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलेशन और अपना कॉन्स्टिट्यूशन आता है। आप अगर बोले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज ऐसा बोल के जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में भी आएगा, इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड ऐसा कुछ सोच के आप चले एथिक्स पेपर 4 में भी आएगा। लेकिन ये सारी बातें कि वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसलिए आपको GS में बहुत ज़्यादा मदद कर देगा, दैट आई वुड से इज़ ओवररेटेड। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन अब करीब 250 मार्क्स ऑफ द जनरल स्टडीज़ मीन्स पेपर 2, वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में भी 40-50 मार्क्स का आता है, तो वो उतना भी टेक्निकल और ज़ोरदार नहीं होता कि जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है वो बहुत ज़्यादा खींच के लेके आएगा और जिसका नहीं है ऑप्शनल वो कम लेके आएगा। सेम गोज फॉर दिस अदर सब्जेक्ट्स। आगे बात, तो मतलब कि ये एक पैरामीटर, कोई अगर आपको बोल दे कि भाई तुम ये ऑप्शनल रख लो क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ के मेंस के पेपर में बहुत काम आएगा, तो वो अच्छा आप सोच सकते हैं, बट देट शुड नॉट बी योर प्राइमरी क्राइटेरिया। सिमिलरली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आपको मुख्य परीक्षा पेपर 1 में मदद तो करते हैं, लेकिन वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब के आप सोच के चले, तो वो जितना बड़ा डिमांडिंग और लंबा उनका सिलेबस है, आपको जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट मैनेज। फिर ये लिटरेचर के बहुत सारे सब्जेक्ट, आसामीज, गुजराती, हिंदी एंड सो मैनी अदर, तमिल, तेलुगु। अब मित्रों, लिटरेचर सब्जेक्ट इज़ गुड, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपको कोई लाइसेंस दे देता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको कुछ सालों पहले ऐसा था, तमिल लिटरेचर, दिस मैथिली लिटरेचर, मतलब कि सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता था, बट आपने ये समझना चाहिए कि एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट आपकी टक्कर होगी आपके ही स्टेट के दूसरे सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो मतलब वो बिना तैयारी के और हवाबाजी में सिलेक्ट हो जाएंगे ऐसा तो है नहीं। सो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। केवल लिटरेचर सब्जेक्ट है तो मेरे राज्य के एग्जामिनर चेक करेंगे और मुझे मार्क्स देंगे, डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर्स अच्छा लिख के जाएगा उसको ज़्यादा मार्क्स देंगे। देन अदर फैक्टर्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसॉफी ये ले लो, इसमें तो बहुत ही छोटा सिलेबस है और 3 महीने में कवर कर सकते हैं, सो ऑन। ये बात सही है, बट वहाँ पर भी उनके सीनियर प्लेयर्स हैं तो वो लोग भी, भले 3 महीने में आप
बेसिक सिलेबस क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर एडवांस और बढ़िया जवाब लिखने के लिए जो किताबें पढ़नी है, एडिशनल रेफरेंस बुक्स एंड थिंग्स, तो सीनियर प्लेयर्स ने वो करके रखी हैं। तो बस ये छोटा सिलेबस है और मैं मैनेज कर लूँगा, ये गिनती से आप वो इतना आसान नहीं है। देन द परसीव्ड ईजीनेस, अब जैसे कि इकोनॉमिक्स, तो आपको बजट, SLR, CRR कुछ चीज़ें समझ में आ गई, तो आपको लगा मुझे तो इकोनॉमिक्स माई स्ट्रांग पॉइंट, तो मैं इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लूँ। नो फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर पेपर वन पेपर टू इकोनॉमिक के उनके बड़े थिंकर्स, उनकी थियरी, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन भी है, तो वो इट इज़ ईजियर सेट देन डन। सिमिलरली स्टेटिस्टिक्स, अब स्टेटिस्टिक्स में ये कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं, साइकोलॉजी और कॉमर्स अकाउंटेंसी, यस आई विल आंसर यू, ये दो तीन पॉइंट में कवर करके आपका जवाब देता हूँ, यस एंथ्रोपोलॉजी और सब कुछ। तो हाँ, मैं बोल रहा था स्टेटिस्टिक्स। अब मित्रों, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पर आपका सेमिस्टर में भी आया होगा मीन, मीडियन, मोड एंड दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड थिंग्स, तो पेपर वन आपको बहुत दूर से आसान लगता है कि ये तो मज़ेदार है, बट जब आप पेपर टू का सिलेबस देखेंगे ऑफ दिस स्टेटिस्टिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो जिसने असल में BSc MSc विथ मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक नहीं किया उसको जमता नहीं है। सिमिलरली कुछ विद्यार्थी जो 12th के अंदर कुछ PMT ऐसी तैयारी कर, प्री मेडिकल टेस्ट, तो उनको लगता है मेडिकल साइंस वो मेरा कुछ था तो मैं कर सकता हूँ, सिलेबस तो बहुत छोटा दिखता है बट असल में तो MBBS के तो ही वो जमेगा। सो इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर कुछ मित्रों ने पूछा है, सिमरन ने पूछा कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कैसा रहेगा। अगर आपने BCom MCom किया है देन ऑफकोर्स यू कैन एक्सप्लोर दिस। फिर एक प्रश्न था एंथ्रोपोलॉजी, हाँ वो सोच सकते हैं बट ऐसी छोटी सोच के साथ नहीं कि उसका शॉर्ट सिलेबस है तो हो जाएगा। साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो यस, वो भी कर सकते हैं। बंगाली लिटरेचर पोलोमी गांगुली ने पूछा है। अब यहाँ पर मिस गांगुली, दो बातें हैं, या तो आपने बंगाली लिटरेचर के साथ BA MA किया, यू कैन एक्सप्लोर। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको ऐसे सीनियर प्लेयर्स, कोई कॉलेज प्रोफेसर्स, कुछ गाइडेंस और कुछ आपको एक रूपरेखा मिल जाती है तो कर सकते हैं। भूपेश कुमार ने पूछा मैथमेटिक्स, तो अगर आपने इंजीनियरिंग या BSc MSc मैथमेटिक्स तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैनेजमेंट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, फनिंद्रा ने जो पूछा, मैनेजमेंट की अच्छी बात यह है कि समझिए कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप क्वेश्चंस की एनालिसिस देख ले तो मिलजुल के वही चीज़ें वापस वापस पूछी जाती हैं, बट ऑफकोर्स उसका मतलब कि आपने जवाब और निखार के लिखना है। सो अगेन, अगर कोई कॉलेज प्रोफेसर, फॉर्मर कैंडिडेट थोड़ा आपको बता दे कि ऐसे ऐसे करना है, यू कैन एक्सप्लोर। एग्रीकल्चर सिंचन श्रीनू ने पूछा, इफ़ यू हैव डन BSc और MSc एग्रीकल्चर देन यू कैन एक्सप्लोर। हिस्ट्री हाँ कर सकते बट आपका इंटरेस्ट होने चाहिए। हिस्ट्री ऑप्शनल अभी से शुरू किया तो हो जाएगा, ऐसा प्रश्न कानव मित्तल का, स्लाइटली चैलेंजिंग, अगर इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं बट हाँ वो आपको मेहनत मांगेगा। जियोग्राफी में भी मैं सही बोल वही बात कर सकता हूँ। दूसरे भी और मित्रों ने पूछा है, आई विल आपका जो फेसबुक ग्रुप बना है, आई विल एक्सप्लेन दोस आंसर देर। हाँ, तो ऑप्शनल की ये कुछ बातें रही। नाउ राइट, अब चलते हैं मीडियम के बारे में। ऑप्शनल सपोज एक विद्यार्थी ने गुजराती लिटरेचर रख दिया तो अब वो उसको बदल नहीं सकता आफ्टर प्रीलिम्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको प्रीलिम्स ऑनलाइन फॉर्म में पूछा जाएगा और फिर वो आप बाद में बदल नहीं सकते, वो प्रश्न ऐसा होता है, लैंग्वेज मीडियम फॉर ऐसे इंग्लिश जनरल स्टडीज, ऐसे जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब सपोज किसी विद्यार्थी ने लिख दिया गुजराती, तो फिर प्रीलिम पास करने के बाद वो उसको बदल नहीं सकता, उसने मुख्य परीक्षा कंपलसरीली गुजराती में ही देनी होगी। तो यहाँ पर समझने की बात ये है, प्रीलिम का पेपर इंग्लिश और हिंदी में होता है, ABCD टिक करना है, बट मेंस का आपने मीडियम पहले से सोच के रखना है। इंटरव्यू के वक्त आपको इंटरव्यू का मीडियम नहीं पूछ, सॉरी प्रीलिम का फॉर्म भरते वक्त इंटरव्यू में कौन सा मीडियम रखना है वो आपको नहीं पूछेंगे, बट देट विल बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म कि आपने इंटरव्यू कौन से मीडियम में देना है। अब मीडियम की कुछ बातें समझ लेते हैं। मुख्य परीक्षा आपने देनी है तो आपको पूछा गया है कि निबंध, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कौन सी भाषा में लिखनी है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया इंग्लिश तो सभी ये पेपर इंग्लिश में ही लिखने हैं, फिर ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, गुजराती में, हिंदी में लिखना नॉट पॉसिबल। लेकिन देर इज़ अ कैवियट, सपोज आपने इंग्लिश मीडियम पसंद किया तो ऐसे एंड जनरल स्टडीज़ तो इंग्लिश में लिखना है, बट सपोज़ यू आर सिलेक्टिंग दिस बंगाली लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और सम अदर
लिटरेचर ऑप्शनल, तो उसकी जो लिपि है, जैसे हिंदी लिटरेचर तो देवनागरी लिपि में ही उसका जवाब लिखना है, बट अगर बाकी जो आपने सपोज बोला कि इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो ऐसे इन जनरल स्टडीज इन इंग्लिश मीडियम, सो ऑप्शनल लिटरेचर है तो आपको उतनी छूट मिलती है, अदरवाइज तो सभी के लिए जो सब लिया वही मीडियम आपका चलता है। सपोज आपने ऐसा लिखा कि मीन्स मुझे हिंदी में देना है, तो फिर भी आप इंटरव्यू चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हो या हिंदी में दे सकते हो, दूसरी भाषा में भी दे सकते हो, तो दैट फ्रीडम इज़ अवेलेबल टू यू। लेकिन मित्रों मीडियम पसंदगी में मेरे कुछ बातें ये है, पहला क्या इंग्लिश में मेंस लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स, एक उसकी अच्छी बात है कि आपके पास मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, सभी बुक्स मैगजीन ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल। नॉन इंग्लिश की एक समस्या मुझे ये दिखती है, उसके मार्क चाहे आप जितनी दौड़धाम कर लो थोड़े तो इंग्लिश से कम ही आते हैं। उसका कारण आपके ज्ञान में कमी ये नहीं है, प्रॉब्लम इज व्हेन यू से हिंदी और गुजराती, तो अगर इंग्लिश में मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वही चीज़ अगर हिंदी और गुजराती में मुझे समझानी हो, फॉर मेंस एग्जाम जवाब लिखना हो, इट विल टेक मोर वर्ड्स, तो आपकी स्पेस जल्दी से ख़त्म हो जाती है, आइडियाज़ कम रिफ्लेक्ट हो पाते हैं। देन जनरल स्टडीज़ निबंध में भी वही समस्या। अब आप समझिए कि आपकी कैटेगरी में जनरल स्टडीज़ निबंध के जो पैरेलल मार्क चल रहे हैं, आपको अगर थोड़े भी उससे कम मार्क आ गए तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा दूसरों से आप खींच के उसको कवर अप कर पाएंगे। सो ऐसे जनरल स्टडीज़ ऑप्शनल इंटरव्यू हर एक के अंदर अच्छे मार्क्स खींचने की आवश्यकता ज़रूरी हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज़ मुझे तो थोड़ा ऐसा ही दिखता है कि वर्नाक्यूलर मीडियम, जब तक हो सके इफ़ यू इट इज़ पॉसिबल यू गो फॉर इंग्लिश, अगर नहीं मैनेज कर सकते देन यू गो फॉर द वर्नाक्यूलर मीडियम फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन, वरना वहाँ पर मार्क्स खींचने की और थोड़ी तो ये नाइंसाफ़ी है ही, पर्टिकुलरली रैंक तो आ जाते हैं पर आईएएस के लिए जो एकदम ऊँचे रैंक चाहिए तो थोड़ी दिक्कत वो आती है, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट। आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम से और दूसरे माध्यम से भी आईएएस अफसर होते हैं, पर वो क्या दूसरे तीसरे अटेम्प्ट वाला आदमी होता है, बिकॉज दैट गाय हैज़ प्रिपेयर्ड मैनी थिंग्स इवन फ्रॉम द इंग्लिश सोर्सेज, और फिर वो अपना जनरल स्टडीज़ ऐसे सब बढ़िया एक्सप्रेस कर पाता है। एनीवेज तो मीडियम भी पहले से सोच के रखना ताकि डबल मजूरी हो नहीं आपकी, पहले सोच लिया कि गुजराती में देनी हो, बहुत सारा मटेरियल जमा किया और फिर कि नहीं जमता है, नो। आगे बात इंटरव्यू मीडियम, मित्रों पिछली 5 सालों से मॉक इंटरव्यू पैनल में मैं बैठता हूँ और हर साल करीब 5-6 मॉक इंटरव्यू और उसमें दर्जनों बच्चे। मेरा अनुभव ये रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी इंटरव्यू देने आते हैं, हिंदी में जो इंटरव्यू देना चाहते हैं यूपीएससी में वो भी मॉक इंटरव्यू के लिए आते हैं, सो एक मुझे नेगेटिव चीज़ ये देखने को मिली कि हिंदी में चाहे कितने प्रतिभावान बच्चा हो और सामने इंग्लिश का प्रतिभावान बच्चा है, हमेशा ये हिंदी मीडियम वालों के जो बोर्ड है 15-20 मार्क कम ही आते हैं, इवन विथ इक्वल प्रिपरेशन एंड इक्वल इंटेलिजेंस, जिसके चलते तकलीफ ये है कि कुछ कैटेगरी में आपके 20 मार्क भी अगर दूसरों से कम है तो यू कैन नॉट कवर अप थ्रू जनरल स्टडीज़ मेंस और ऐसे पेपर या ऑप्शनल सब्जेक्ट स्केलिंग, तो मतलब आपका जो आईएएस आईपीएस वाला ख्वाब वो उसको ख़राब कर देता है। तो मैं तो बहुत आपको पुरजोर से ये रेकमेंड करूँगा कि अगर वर्किंग लेवल का भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, कोई सेंट स्टीफन का आपने फ्लुएंटली नहीं होना, वर्किंग लेवल भी इंग्लिश बोल सकते हो, तो इंटरव्यू मेहरबानी करके इंग्लिश में ही दो। मैंने ये पाया है जो लोग बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं बोल पाते लेकिन फिर भी इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, उनके मार्क ठीक ठाक अच्छे ही आते हैं कंपेयर टू द गाय हु इज़ गिविंग इन हिंदी गुजराती अदर थिंग्स। ये एक बात समझ लिया आपने। दूसरी, बोलने को तो संविधान में लिखा है इसलिए आप गुजराती मराठी ये सभी भाषा में इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन नहीं देने चाहिए। उसका कारण ये कि यूपीएससी फिर कहाँ से ट्रांसलेटर लेके आएगी, वो लोग पार्लियामेंट से ट्रांसलेटर बुलाते हैं फॉर द इंटरव्यूज़। अब अपना ट्रैवल अलाउंस डीए बचाने के लिए ये लोग किसी एक दिन किसी एक बोर्ड में ही ट्रांसलेटर को बिठा देंगे और सभी गुजराती माध्यम के, सभी पंजाबी माध्यम के, सभी मराठी माध्यम के बच्चों का एक ही बोर्ड में एक ही दिन इंटरव्यू क्लब कर दिया जाएगा। इसकी तकलीफ क्या है, पहला उम्मीदवार आके कुछ बातें करता है कि नर्मदा डैम ऐसा है, उत्तराखंड में ये हुआ, मे बी ही गेट्स मोर मार्क्स, लेकिन फिर दूसरा तीसरा पांचवा सातवां इंटरव्यू पैनल भी उससे परेशान हो जाती है क्योंकि एक ही टाइप के जवाब आएंगे, और आप समझिए कि एक दिन में अगर एक पैनल बैठा है तो उनके ऊपर भी कुछ इनफॉर्मल प्रेशर होगा कि सभी को तो वो 200-190 मार्क्स नहीं दे सकते, राइट, सो योर चांसेस दे स्टार्ट टू डिक्लाइन। बेटर कि इंग्लिश में दिया हो तो आपका कहीं ना कहीं
अलग अलग फ्रेगमेंटेड डेट्स में नंबर आए देन यू गेट सम बेटर चांस कंपेयर टू बींग क्लब विथ योर ओन स्टेट एंड ऑन मीडियन पीपल इन वन डे. तो ये बात का ध्यान रखना. मतलब इंग्लिश अगर बोल सकते हो इंग्लिश में इंटरव्यू दो, नहीं बोल सकते तो हिंदी में, लेकिन वर्नाक्यूलर मतलब गुजराती मराठी में कभी 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 नहीं देना है, ये समझ के रखना. आगे प्रीलिम आपने पास किया, नया फॉर्म भरना है जिसे आप बोलते हैं मेंस डीएफ फॉर्म. अब उसके अंदर आपको प्रेफरेंस पूछे जाएंगे कि आईएएस आईपीएस बोल के जो भी 23 चॉइस परीक्षाएं हैं सर्विसेज हैं वो आपने 1, 2, 3, 4 करके फिलअप करना है. अब शुरुआत के तो सबका क्लियर होता है मुझे आईएएस चाहिए, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, 3-4. लेकिन उसके बाद वाले क्या, फॉर एग्जांपल आईआरएस के अंदर इनकम टैक्स भी होता है, आईआरएस में कस्टम एक्साइज भी होता है. अब इनकम टैक्स तो सिटी में पोस्टिंग मिलता है लेकिन शुरुआती आपकी नौकरी में कोई प्यून नहीं होता, स्टेनो कार ऐसी चीज़ नहीं होती. आईआरएस कस्टम एक्साइज में उससे विपरीत आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, गाड़ी वगैरह, लेकिन आपका पोस्टिंग हो सकता है कि सिटी से दूर कस्टम जहाँ पर बंदरगाह या ट्रेडिंग पोस्ट हो सकता है. तो इन दोनों में से कौन सी सही है. सिमिलरली ऑडिट अकाउंट और ऐसी 4-5 सर्विस है. तो ऑडिट अकाउंट सर्विस आपका यूनाइटेड नेशंस में भी डेप्यूटेशन में पोस्टिंग हो सकता है. सेकंड रेलवे अकाउंट की आप बात करें, रेलवे अकाउंट सर्विसेज, तो फ्री ट्रेन टिकट और उसकी अपनी गेस्ट हाउस और एमेनिटीज होती हैं. इंटरव्यू में नॉलेज एग्जामिन करते हैं या पर्सनालिटी और दूसरे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, आई विल कम बैक टू यू, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं वो ख़त्म करते हैं. या सिमिलरली इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं इसमें तो कोई नौकरी में मज़ा नहीं है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एडवाइज़र प्राइवेट मीडिया कंपनीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ऑनलाइन फॉरम, फ्रेश टॉपर्स, ये लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों में आपको उलझा देते हैं और फिर बच्चे ज़्यादा समझे बिना कि कैरियर असल में क्या होता है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी सुपरफिशियल थिंग कि चपरासी मिलता है कि नहीं, गाड़ी मिलती है कि नहीं, वो ये नहीं सोचते 15-20 साल बाद आपके पे स्केल क्या होते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ भी मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं. कुछ ऐसे सीनियर्स जो कि पिछले 5 साल में 3 बार उन्होंने यूपीएससी सिलेक्ट हुए हैं, तो अब वो 3 सर्विस में गए होंगे लेकिन वो उसके माहिर नहीं बोल सकते बिकॉज दे आर ओनली इन द ट्रेनिंग एकेडमीज, असल में सर्विस तो उन्होंने की नहीं. तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि आप कोई सीनियर ऑफिसर से एक बार मिल के ज़रा जानिए और फिर ये चीज़ों को भरिए. उसी के आगे कंटिन्यूएशन में मैं आपको बताऊँ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस, दिस आर कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विसेज. तो आपको एक स्टेट में अलॉट किया जाता है और बाकी की, तो यू आर अलॉटेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट और फिर आपने बाकी करियर या तो आप स्टेट में रहेंगे और यू विल बी डेप्यूटेड टू दिल्ली एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. सो व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट दी स्टेट्स दैट आई वांट टू गो टू बिहार या गुजरात, 1, 2, 3, 4 बोल के आपने जो भी प्रेफरेंस देने हैं, अब यहाँ पर भी डोंट जज द स्टेट्स बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट कि ये अच्छा है ये बुरा है. माई ओवरऑल एडवाइस इन दिस स्टेट कार्डर एंड सर्विस में आपने क्या करना है, ये फॉर्म भरते वक्त बिफोर दैट आई वुड सजेस्ट दैट यू गो टू सम सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर इन योर डिस्ट्रिक्ट और इन योर स्टेट एंड देन उनसे आप जानिए कि ये क्या चीज़ें होती है. अब आपको ये भी प्रश्न हुआ, सर मेरे तो कोई रिलेटिव्स दे आर नॉट इन दिस आईएएस आईपीएस सर्विसेज, देन हाउ कैन आई अप्रोच देम. व्हेन यू क्लियर द प्रीलिम एग्जाम, आप मेंस देने वाले हैं तो आप ऐसे ही उनको कुछ मेल या फ़ोन करके या कुछ मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. कोई भी आदमी जो प्रीलिम क्लियर कर देता है देन दिस पीपल विल टेक हिम सीरियसली और उसको सलाह देते हैं. एडिशनली देर इज़ अ बुक कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज बाय ओकमैन ओकब्रिज पब्लिकेशन. ये खरीदने की ज़रूरत नहीं, लाइब्रेरी से एक बार पढ़ लेना, तो उसमें भी आपको बहुत सारी ये चीज़ें मिल जाएगी कि कौन सी सर्विस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और क्या क्या सुविधाएँ होती हैं वगैरह. सो प्लीज़ मतलब ऑनलाइन कुछ बोल रहा है फॉरम में सुन के पढ़ के मत ये जानकारी लेके आप भरना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो फिर से एग्ज़ाम दे के दूसरी बार भी सिलेक्ट. सो वॉट एवर यू जस्ट डू इट, यही समझ के करना है कि पहली और आखिरी बार अपना हो रहा है. नेक्स्ट मित्रों, ये मेंस का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपने उसमें हॉबीज़, टीम स्पोर्ट्स ये सब भी इंडिकेट करना होता है. अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, वो आप लिख सकते हैं नो हॉबीज़. लेकिन अगर आप हॉबी लिख रहे हैं तो फिर अभी से उसके लिए टाइम अलॉट कीजिए. फॉर एग्जांपल बहुत सारे विद्यार्थी, मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूं और उनके मतलब मेंस के ऑफिशियल फॉर्म प्रिंट आउट करके वो मुझे देते हैं, तो लोग लिखते हैं आई रीड फिक्शन,
और फिर उनको जरा ग्रिलिंग किया जाए, आपने कौन सी पिछली किताबें, व्हाट वेयर द कैरेक्टर्स मोटिव थीम्स इन दोज बुक्स, तो वो एक दो किताब में उनकी विकेट गिर जाती है एंड देन दे आर अनेबल टू आर्टिकुलेट ऑन देयर व्हाई फिक्शन में क्या होता है व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड. कुछ लोग लिखते हैं हॉबीज, आई टीच किड्स इन दिस स्लम्स, बट व्हेन यू ग्रिल देम ऑन दी सब्जेक्ट, आप एज अ टीचर व्हाट आर द क्वालिटीज नेसेसरी, आप कहाँ पर पढ़ाते हैं, उनके पेरेंट्स क्या, ये स्लम किड्स के पेरेंट्स क्या करते हैं, राइट टू एजुकेशन में उनका एडमिशन नहीं हुआ है क्या, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. जब ग्रिलिंग शुरू होता है देन दैट गाय इज फोन इन एक्सपोज हो जाती है कि वो ऐसे ही हवाबाजी कर रहा था. देर वॉज अ गाय हु रोड की राइफल शूटिंग, और उसका ये प्लान था कि आफ्टर द मेन्स एग्जाम इज ओवर आई विल ज्वाइन सम राइफल क्लब और इंटरव्यू तक आई विल गेट ऑल दिस, और मेरा IPS फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आई कैन जस्टिफाई दैट आई एम यस आई एम सो मच इंक्लाइंड इन टू दिस एक्टिविटी. बट स्टिल वो मेन्स के बाद 15 दिन राइफल क्लब ज्वाइन किया एंड व्हेन दोज इंटरव्यू पैनल स्टार्ट ग्रिलिंग यू ऑन व्हाट आर दी स्किल्स एंड राइफल की जो भी टेक्निक्स होती हैं, तो वो आदमी एक्सपोज हो जाता है. तो जो भी हॉबी लिखनी है तो असल में है तो लिखो, अदरवाइज देर इज़ नो हार्म इन सेइंग आई डू नॉट हैव हॉबी, बट अगर हॉबी है तो फिर उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम आपने अलॉट करना चाहिए. लास्टली इन द टेक्निकल पिटफॉल्स दैट इज रिलेटेड टू कैरियर बैकअप्स, कि अगर IAS में सिलेक्शन नहीं होता देन वॉट टू डू. अगर आप ऐसा सोच के चलते हैं कि मुझे RBI का एग्जाम मैं दे दूंगा, बट वहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज होने चाहिए, कैट दूंगा उसमें भी इसी प्रकार से है. स्टेट सर्विसेज क्लास 1-2 ऑफिसर्स की एग्जाम होती है, बट वहाँ पर भी ऐसा कि मिनिमम ग्रेजुएशन में कुछ इतने परसेंटेज होने चाहिए इन सम सर्विसेज. सो डू नॉट नेग्लेक्ट योर कॉलेज स्टडीज वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. सेकंड, कुछ ऐसी टेक्निकल स्टेट सर्विसेज हैं जैसे श्रम रोजगार विभाग, महिला बाल विकास, राज्य सरकार की आपकी गुजरात UPSC स्टेट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट होते हैं और UPSC की तैयारी करने वाला बंदा आराम से उसको कर सकता है. बट वहाँ पर कंडीशन ये होती है दैट यू मस्ट हैव डन द पोस्ट ग्रेजुएशन इन सिलेक्टेड सब्जेक्ट, लेट अस से MSW, दिस रूरल डेवलपमेंट एंड सो फॉर्थ. सो वट एवर बैकअप प्लान यू हैव थॉट, तो अभी से उस हिसाब से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी डिस्टेंस लर्निंग में आप ज्वाइन कर लो थ्रू द इग्नू, राइट. बट आज से आप ज्वाइन करोगे यू विल गेट द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 2 years. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस इंश्योरेंस पॉलिसी राइट नाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ आफ्टर 2 years. अगर ह्यूमैनिटीज़ का कोई ऑप्शनल सोचा है तो आप उसका भी MA ज्वाइन कर सकते हैं. इधर एक जोशी हसमुख ने पूछा मेडिकल साइंस ऑप्शनल, आई वुड से अगर MBBS किया है तो आप डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर, लेकिन उसके कोई सीनियर से आप मिल लेना. इज इट ओके टू यूज इंग्लिश वर्ड्स वाइल राइटिंग वर्नाक्यूलर, कर सकते हैं बट डू नॉट ओवर यूज द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल CRR, SLR, अब उसका हिंदी मराठी क्या करोगे, वो तो सोच सकते हैं, बट नॉट इन एवरीथिंग. आगे, सो दिस वेर सम ऑफ द टेक्निकल पिटफॉल्स दैट आई डिस्कस्ड विथ यू. नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट दैट इज रिसोर्स पिटफॉल्स, यानी कि हमें जो ये 6-7 विषय तैयार करने हैं, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स, तो इनमें तैयारी के वक्त कौन सी किताबें यूज़ करनी चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए एंड अदर थिंग्स. सो उसके बारे में ज़रा बात शुरू करते हैं. 2017 और 2018 की प्रीलिम परीक्षा पेपर 1, उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस यहाँ पर दिया है. हर साल वो थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं. फॉर एग्जांपल 2017 हिस्ट्री देखो केवल 9 सवाल और इधर देखो 21 सवाल हो गए. पॉलिटी में मतलब 2017 22 सवाल थे, कम हो के इधर थोड़े हो गए 13 सवाल हो गए. सो द पॉइंट इज थोड़ी अनसर्टेनिटी UPSC हमेशा बना के रखती है. ओवरऑल आप पाएंगे कि ये एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, कलेक्टिवली दिस पोर्शन यस IAS बाबा ये हिस्ट्री के लिए पुराना या नया NCERT उस पर मैं आ रहा हूँ आफ्टर सम टाइम. एक विद्यार्थी बोल रहे हैं स्लाइड इज नॉट चेंज, आई वुड सजेस्ट कि आप पेज को रिफ्रेश करो. या सो एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, दिस इज वन चंक की 1/5 या 1/4 ऑफ द पेपर यहाँ से आ जाता है. इकोनॉमी, ईयर बुक, इसमें से भी 1/4, 1/5 निकल के आता है. लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी यहाँ वहाँ होती है. हम ये पाते हैं कि हिस्ट्री, साइंस थोड़ा और आगे बढ़ गया था 2017 की अपेक्षा 2018 में. हिस्ट्री एंड साइंस थोड़ा वेट बढ़ गया था लेकिन टफनेस भी बढ़ी थी. खैर, अब
एक एक करके विषयों पे आते हैं। सबसे पहला विषय इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप देख सकते हैं 2018 की प्रीलिम में केवल 4 सवाल आए, और वो भी एक प्रकार से पनौती काल चल रहा है इनका, कि हर साल आप देखिए 2013, 14, 15, 16, 17, 18 धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिक्लाइनिंग। लेकिन और इसका मतलब ये भी नहीं कि ओके देन आफ्टर प्रीलिम आई विल प्रिपेयर दिस ज्योग्राफी सब्जेक्ट, नो। ज्योग्राफी आपको मेंस में परेशान करता है इन द पेपर वन। आप पाएंगे 250 मार्क्स का जनरल स्टडीज पेपर वन होता है इन द मेंस एग्जाम, 80 से 100 मार्क का आपका ज्योग्राफी वहाँ पर सवाल होते हैं। अब शुरुआत के दो साल मतलब 2013-14 वहाँ पर एकदम कठिन प्रकार के प्रश्न आ रहे थे फ्रॉम ज्योग्राफी, एस इफ के दे आर आस्किंग फ्रॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट। देन 2015-16 थोड़ा ईजी होने लगा, 2017-18 मिक्स लेवल, मतलब थोड़े ईजी होते हैं थोड़े टफ होते हैं। लेकिन इसकी तैयारी आपने अभी से शुरू करनी है। इट इज़ ट्रू के प्रीलिम के अंदर तो ज्योग्राफी हार्डली 4 to 7 क्वेश्चंस आर कमिंग एंड दे आर ऑल्सो मोस्टली मैप बेस्ड, तो फिर ये इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी सारी मेहनत क्यों करूँ। बट दैट थिंग विल हेल्प यू इन द मेन्स एग्जाम, और फिर ऐसा सोच के कि मैं प्रीलिम के बाद करने जा, यू कैन नॉट कोप अप। सो अभी से करना है। अब ये कहाँ से करना है ये बात देखते हैं। ज्योग्राफी फॉर द प्रीलिम कम मेन्स। ज्योग्राफी की कुछ किताबों में बातें शुरुआत होती हैं ब्रह्मांड से, मार्स, वीनस, अर्थ, किसके कितने सैटेलाइट है, कौन सोलर गैलेक्सी एंड एवरीथिंग। ऑफकोर्स वो सारा हम ज्योग्राफी, हर एक आदमी बोलता है कि वो ज्योग्राफी का कंपोनेंट नहीं है। बट इन द मेन्स एग्जाम पेपर वन आप पाएंगे कि 2017 में पूछा नासा जूनो मिशन, 2018 में पूछा ये IRNSS, ये क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी की चीज़ है। बट ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट का जो सिलेबस कंपोनेंट है उसके साथ इसको पूछ लिया गया। तो यूनिवर्स तो पूरा ब्रह्मांड नहीं कर सकते, बट स्पेस टेक्नोलॉजी राइट, पर्टिकुलरली इसरो ने क्या किया, नासा ने और यूरोपियन यूनियन ने, इतना तो अपना अभी से शुरू होना चाहिए। क्या दैट इज़ फॉर साइंस टेक्नोलॉजी। जहाँ तक ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट की बात है तो फिजिकल ज्योग्राफी अभी से आपने तैयार करनी है, क्लाइमेट, ओशन डिजास्टर्स राइट, चाहे आप देखिए क्रायोस्फीयर एंड ओशन सलिनिटी जो कि 2017 मेंस में पूछा, या प्लेट टेक्टोनिक्स जो 2018 में पूछा मेंस एग्जाम में। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी भी एक एक जगह पर कौन सी नदी, झरना और नाला और मंदिर लगा है, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट। जेनेरिक पैटर्न्स थोड़े तैयार करके जाने चाहिए, क्लाइमेट, डिजास्टर, सॉइल, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो थिंग्स आप तैयार करें जो प्रीलिम में थोड़ी मदद आए और मेंस में मदद आए, ये आपने कर देना है अभी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें वहाँ पर भी केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब माइंस, एनर्जी एंड एवरीथिंग, और वो भी केवल दो जगह की, एशिया एंड अफ्रीका। मुख्य परीक्षा का ट्रेंड एनालिसिस करें तो इतना ही पूछते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर वो भी इसके आसपास कुछ बात होती है। इससे जाके मतलब अभी से बहुत और उसमें डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप वर्ल्ड ज्योग्राफी एज अ बिग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, वो प्रीलिम तक उसको छोड़ सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज प्रीलिम में उसकी संभावना बहुत कम है, एक आध सवाल। प्लस मेंस के लिए जब आप तैयार करने बैठोगे अगेन आपको वो चीज़ वापस नहीं ही लगेगी, इट विल नॉट स्टे इन योर मेमोरी फॉर सच लॉन्ग पीरियड, तो इसको आप छोड़ सकते हो। प्रीलिम के लिए केवल मैप बेस्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी ऊपर ऊपर से तैयार करो। ज्योग्राफी का ही एक कंपोनेंट अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज बोल के मुख्य परीक्षा में है, तो उसके जो भी मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट, स्मार्ट सिटी जैसा, क्लाइमेट, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह, उसको मैंने ब्लू कलर दिया है। मतलब थ्रू आउट द ईयर ऐसे बिल्डिंग प्रोसेस के रूप में आप योजना कुरुक्षेत्र न्यूज़पेपर में पढ़ते रहना, अदर देन दैट बहुत ज़्यादा इसमें अभी से लेफ्ट राइट करनी नहीं है। सो द पॉइंट इज फिजिकल ज्योग्राफी करोगे, इंडियन ज्योग्राफी करोगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो प्रीलिम में केवल मैप बेस्ड, थोड़ी ज़्यादा लेफ्ट राइट उसमें मत करो। एक प्रश्न हम देखते हैं, प्रीलिम 2017 में ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार बोल के आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आई वुड सजेस्ट कि इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, सागर कुमार, नजमा जी, आकाश, जागृत, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने सही जवाब पकड़ा, सुमात्रा। देखिए ये अपना निकोबार, सुमात्रा इधर है बहुत करीब, श्रीलंका तो बहुत दूर है, और
और दूसरी भी चीज़ें इसी प्रकार बहुत दूर है. सो द करेक्ट आंसर इज सुमात्रा. मैंने ये प्रश्न आपको इसलिए दिखाया कि भाई तैयारी जब भी करो तो स्कूल एटलास देख के करो. आप गूगल मैप्स, अगर आप गूगल मैप्स में देखते हो तो वो ग्रेट निकोबार तो इतना ही दिखाएगा, उसके आसपास कितनी सारी जगह हैं. तो बेटर यू गो विथ स्कूल एटलास. सेकंड, कभी कभी यूपीएससी इंटरव्यू में भी आपको ग्लोब या मैप दे के बोलते हैं, एक वो मतलब अनमार्क रहता है और आपको पूछा जाता है इसमें ये जगह कौन सी, और फिर वहाँ के इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह आपको पूछते हैं. तो वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, अब ये वाला प्रश्न देखो, विच ऑफ द 2015 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओपन इन द मेडिटेरेनियन सी, और बोल के आपको ऑप्शन दिए गए हैं. अब मैप में देखो ये जॉर्डन, तो जॉर्डन इधर है, मेडिटेरेनियन सी इधर है, तो ये उसको टच नहीं करता. 2015 में ये पूछा जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी को टच करता है कि नहीं. अब इंटरेस्टिंगली 2015 के बाद आप 2017 का पेपर देखो, वापस उनका प्रेम वहीं पे अड़ा हुआ है कि मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बोल के आपको ऑप्शन दिए. अब अगर आप पुराना पेपर सॉल्व करके गए होते तो आपको कम से कम इतना तो पता होगा भाई जॉर्डन तो है ही नहीं, तो जॉर्डन का आपने एलिमिनेट किया तो आपके दो एलिमिनेट हो गए. और ऐसा भी सोच के गए होते कि ये मेडिटेरेनियन सी पूछा है तो आसपास के तीन चार देश में और देख लेता हूँ, तो फिर आपको पक्का पता होता भाई ये तीन और चार ही उसको टच करते हैं. सो माई पॉइंट इज यू शुड सॉल्व दी ओल्ड पेपर्स, और वहाँ पर जो टॉपिक पूछे गए उसको आप जरा समझ लो, उसके मिलते जुलते एक आध दो सवाल तो निकल ही आते हैं. आगे ज्योग्राफी प्रीलिम 2016 का ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, दिबंग, कमांग, लोहित. इसका सही जवाब मुझे भी नहीं पता, मेरा कहने का सिर्फ यहाँ यही तात्पर्य था. दिस इज आस्क्ड वर्बेटिम फ्रॉम फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11 पेज 26. पिछले कई सालों से ये ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11 दो किताब, एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, एक एक सवाल निकल के ही आता है. 2018 का पेपर इट वाज ऑड कि वहाँ से कुछ नहीं पूछा, बट एक साल को देख के आप वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर एंड लाइक दैट. तो इसको तैयार करना है आपने, यानी अपने जो तैयारी के रिसोर्सेज, योर बेस मटीरियल इज एनसीईआरटी क्लास 11, मतलब एनसीईआरटी तो 7-10 सोशल साइंस आपने देख लिया, 11-12 के ज्योग्राफी के किताबें देखे, बट उसमें भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की जो किताबें हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी बाय हार्ट करके जाना है. बाकी करंट अफेयर्स बेस्ड मैपिंग और वो सब आप देखते रहेंगे. दूसरी कौन कौन सी किताबें और वो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी की आप बात करें, गोचे लियोंग सर्टिफिकेट इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी मुख्य परीक्षा के लिए काम की है, यस, और 2017-18 दोनों में ही काम में आई, तो आप इसको देख सकते हैं, यस. बट पूरी नहीं हो पाए तो अभी बहुत ज़्यादा भी चिंता करने का मतलब नहीं, बिकॉज फॉर प्रीलिम्स वो उतनी उपयोगिता आजकल कम दिखती है. माजिद हुसैन की भी एक किताब है, फिजिकल ज्योग्राफी की ज़रूरत नहीं है. इंडियन ज्योग्राफी में एक किताब थी डीआर खुल्लर, अब आप कोई भी इंडियन ज्योग्राफी का सवाल निकालो वहाँ से सॉल्व हो सकता है, बट दैट इज़ बिकॉज वो तो इतनी मोटी किताब है. ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे करें तो बराबर है, हमारे लिए जमता नहीं है, इसको छोड़िए. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन आई वुड से स्टार, मतलब सिलेक्टेड चैप्टर ही करने, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हिमालयन रेंज वगैरह वगैरह, जो कि अपनी एनसीईआरटी में थोड़ा नहीं दिया और एडवांस वो पूछते हैं, तो सिलेक्टेड चैप्टर्स ही देखने हैं. इसके अलावा कुछ गाइड बुक आती है, जैसे स्पेक्ट्रम की ऐसी गाइड बुक है, बहुत मोटी वाली होती है, फॉर प्रीलिम मेंस एंड इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिया है, तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच रहे तो कर सकते हो. महेश बर्नवाल की एक किताब है, वो स्टेट सर्विस के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और फिजिकल ज्योग्राफी में उसका थोड़ा अच्छा है. सो इफ़ यू आर गिविंग द एग्जाम इन हिंदी देन यू कैन एक्सप्लोर दिस बुक, अदरवाइज तो आपने एनसीईआरटी कर लिया, माजिद हुसैन के सिलेक्टेड चैप्टर्स, आप यूट्यूब पे जाइए, राज तनिल मैम की और दूसरे बहुत सारे लोगों की चीज़ें हैं, आप उतना करो, दैट इज़ क्वाइट सफिशियंट. सेकेंड पिलर इज एग्रीकल्चर, एज सच इट इज़ अ सब टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ओनली, बट जब से सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा को कंबाइंड प्रीलिम लेना शुरू किया, तो एग्रीकल्चर के सवाल ज़रा टेक्निकल होने लगे. अब जैसे ये प्रश्न पूछा गया कि ये बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग, साइटोप्लाज्मिक एंड जीन साइलेंसिंग, और इसमें से ट्रांसजेनिक क्रॉप किधर से बनते हैं, या ये आदित्य और कुछ लोगों ने
पूछा पहली बात ओल्ड एनसीईआरटी नो फ्रेंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पुरानी एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पर तकलीफ पुरानी ज्योग्राफी की ये है कि दे हैव नॉट आउटडेटेड चीज़ें हैं। जर्मनी और इंग्लैंड में जो कोल्ड फील्ड अब नहीं है वहाँ उसकी बात होती है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो अब समाप्त हो चुके हैं उसकी बातें होती है, तो ओल्ड एनसीईआरटी का वहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का देखिए ट्रांसजेनिक क्रॉप कुछ अतरंगी पूछ लिया गया। आपने याद ये रखना है कि ऐसा देख के अब मैं ट्रांसजेनिक क्रॉप की पूरी सब मटेरियल जमा कर लूँ, विकीपीडिया से नोट्स बनाऊँ, नो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। आपने याद रखना है कि ये वाली चीज़ें पूछी जाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के विद्यार्थियों को टेस्ट करने के लिए। कट ऑफ प्रीलिम का कितना होता है, 200 मार्क का जनरल स्टडीज पेपर है तो 100 के ऊपर करीब करीब कुछ रहता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट काउंटेड इन द फाइनल मेरिट। तो हर एक ऐसा प्रश्न देख के मैं ये तैयारी में लग जाऊँ, डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। आप समझिए अपना ये भारत देश महान, अगर मोदी जी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपनी सेना भेजते हैं राइट, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान 26/11 जैसा आतंकवादी आक्रमण करने के लिए कुछ आतंकवादी अपने भारत देश भेज देता है, तो सबसे पहली चुनौती क्या है कि भारत की अपने अंदरूनी चीज़ों को आपने सिक्योर करना चाहिए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का सोचना चाहिए राइट। सो सबसे पहले आप अपना बेस उसे डिफेंड करो, बेस आपका क्या होना चाहिए। एग्रीकल्चर की बात करूं तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की किताब और क्लास 11 12 की जो बॉटनी की मतलब बायोलॉजी की किताब है उसका बॉटनी का बहुत सिलेक्टेड पोर्शन, मेजर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो कि इकोनॉमी टाइप हो, फसल बीमा योजना और सब्सिडी और मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, योजना कुरुक्षेत्र, वहाँ पर भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसकी जो बोल बच्चन आती है, ये सब आपका पहला बेस होना चाहिए। ये सब तैयार करके बराबर करो, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का सोचना चाहिए। ये सब कि मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग तो उसमें बीटी क्रॉप नहीं, मैं तो 50 और वेराइटी का पढ़ लेता हूँ, द हिंदू में तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज़ के बारे में आता है क्रॉप की, तो मैं वो सब रट लूँ। PIB में जो हर थोड़े थोड़े समय पर MSP क्रॉपिंग एरिया में जो छोटा छोटा ट्रिवियल GK आता है वो करूँ। इंडिया ईयरबुक में योजनाएँ करनी है फसल बीमा और ऐसी बड़ी योजनाएँ, बट अब सस्टेनेबल मिलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस पूछी जाती है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो, ये सारी चीज़ें आप समझिए मित्रों कि आजकल बहुत सारे PDF मटेरियल चलता है, YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं, तो हर एक को डेली कंटेंट क्रिएट करना है तो वो तो आपके पास ऐसा सब कुछ जमा करके परोस के देंगे ही, लेकिन आपने ये समझना है कि मेरे लिए परीक्षा का कितना काम का है राइट। तो प्लीज़ गो थ्रू दी ऑल पेपर्स एंड देन यू डू दिस थिंग्स। सबसे पहले बेस को आप सेफ गार्ड करो। अब देखो एग्रीकल्चर में जैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप जैसा मतलब कठिन सवाल पूछ लिया, तो सम लो हैंगिंग फ्रूट्स जो कि सरकारी योजनाओं से पूछे जाते हैं, 2016 में पूछा फसल बीमा का बारे में प्रीलिम में प्रश्न पूछा, 2017 सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में प्रीलिम में पूछा, और दूसरा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक उसके बारे में पूछा, तो ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट आपको मिल जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर भी थोड़ा और कठिन होना शुरू हो गया है, 2018 की प्रीलिम और वहाँ पर एग्रीकल्चर में एक प्रश्न पूछा गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, उसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती है, देन दिस एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड APEDA वो ये ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है, एंड थर्ड सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। ऐसे 3 वाक्य आपको दिए गए थे और आपने सही गलत पकड़ना था। अब यहाँ पर आप अगर पिछले 1-2 सालों से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि भाई सिक्किम इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, मतलब यहाँ केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह चीज़ें वो यूज़ नहीं करते, तो जहाँ पर भी 3-3 नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट दिस अलोन डज नॉट हेल्प, क्योंकि देखिए उसके बावजूद भी आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। जो टॉपर्स बोलते हैं कि अगर 50-50 हो जाए आपके, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो बाकी जो बचे उसमें कुछ भी टिक कर दो और बाय लॉ ऑफ एवरेजेस कुछ बन जाएगा, दिस थिंग इज नाउ डिफिकल्ट। बेशक इसमें अगर और आप आगे बढ़ो कि हाँ ये तो मुझे पता है कि सिक्किम हैज़ बिकम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, और यहाँ पर क्या है नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और बोला है मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, तो ये मतलब मुझे गलत लगता है, तो फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर दो और ए को भी मैं एलिमिनेट कर दूँ क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, तो अब बाकी बचे आपके पास सी और बी, उसमें से फिर आप 50-50 करके कुछ एक टिक करो,
हो सकता है वो सही होगा तो आपको प्लस टू मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत निकला तो -0.66। और ऐसी ही प्रवृत्ति सपोज आप 10 सवाल में करोगे तो 5 सही 5 गलत निकले, तो बाय लॉ ऑफ एवरेजेस यू विल गेन समथिंग। पर इसके लिए तैयारी और करनी है और आपने MCQ प्रैक्टिस करने चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि आप फिर हर एक छोटी चीज़ में घुस जाओ सीधा कि ये APED तो मैं उसका भी अब पूरी नोट बना के रखूँ, एंड नो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट, क्योंकि सिलेबस में बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कंप्लीट करनी है। सो ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, या विवेक ने पूछा व्हाई फर्स्ट इज एलिमिनेटेड, दैट इज़ विवेक बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का ये जो प्रोग्राम है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, दैट इज डन बाय एग्रीकल्चर, सो दैट इज वन इज गॉन, वो गलत वाक्य है, इसलिए इसको मैंने निकाल दिया और डी को भी मैंने निकाल दिया। एनीवेज करेक्ट आंसर वॉज दिस 2 and 3 ओनली। एनीवेज मूविंग ऑन, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर समझ लिया, नाउ व्हाट अबाउट दिस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर भी, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों ही के प्रीलिम कंबाइन कर लिए गए, तो बीच में एक ऐसा समय था कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। देन अगेन यहाँ पर भी थोड़ा पनौती काल यानी कि पतन शुरू होने लगा, अब कम प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, एग्रीकल्चर के थोड़े बहुत 4-5 सवाल निकल के आते हैं। एक अच्छी बात यह है मित्रों, ओवर द ईयर्स जैसे कि आप देखिए 2014 में सम 28 क्वेश्चन, बट मैनी ऑफ देम वेर क्वाइट डिफिकल्ट कंपेयर टू दैट। ये बात सही कि अब धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट आर डिक्लाइनिंग, बट गुड थिंग इज दैट वो पहले से थोड़े ज़्यादा मैनेजेबल हैं। ये जो ईजी मीडियम वैसे आपको लगता है, बट स्टिल दे आर, जो पहले ईजी था उससे अब और ईजी है। रिसोर्स वाइज आप बात करें तो अभी भी अतरंगी सवाल ये आप देखिए, रैंडम वेबसाइट से कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसे 9 सवाल निकले 2018 की प्रीलिम की बात करें। शंकर IAS से 2 प्रश्न थे उसकी किताब से, इंडिया ईयरबुक योजना कुरुक्षेत्र से 2 प्रश्न, जनस्तर इज मैनुअल का 1, इंडियन एक्सप्रेस हिंदू से 1, NCERT NIOS से 1। तो मतलब अपने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे उसमें से कम ही और बाकी अतरंगी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे एक ये प्रश्न आप देखिए, प्रीलिम 2017 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका क्या मतलब है? ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है, फॉरेस्ट में ऑक्सीजन लेवल मेजर करता है, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम, या फिर कि हाई अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन मेजर करता है। तो रोहित, सागर, मित्तल, विक्रम, आप सब ने CCC किया है, आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। मैं बस ये प्रश्न दिखा के ये बोलना चाहता था, NCERT क्लास 11 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 11-12 आपने पूरी नहीं करनी है, बट ये जो क्लास 11 केमिस्ट्री उसका चैप्टर 14 है, दैट इज़ ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे या हर 2-3 साल पे यहाँ से प्रश्न निकल के आते ही हैं, तो आपने ये NCERT क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 14 यू मस्ट प्रिपेयर। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, अभी आगे आएंगे, बट ओवरऑल आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि एनवायरमेंट का मतलब मुझे क्या तैयार करना है। फर्स्ट आई वुड से पॉल्यूशन एंड डिजास्टर्स, पॉल्यूशन जो तैयार करने हैं तो केमिस्ट्री साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर प्रीलिम्स, डिजास्टर तैयार करने हैं तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेट टेक्टोनिक, स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड सिस्मोग्राफ एंड मैग्नीट्यूड एंड एवरीथिंग, दैट इज़ फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। जब मेंस के लिए तैयार करना है तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ टॉपिक वो करना है। सेकंड इज इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो बड़े बड़े ट्रीटीज और वो पेरिस समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, IPCC पता होना चाहिए, बट हर एक छोटी छोटी चीज़ में मत जाओ। जैसे 2018 में एक पूछा GACSA कुछ स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में था, 2017 पूछा CCAC, GGC, मतलब ऐसे स्मॉल टाइम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके अबाउट अस पेज से जैसे प्रश्न उठा के पूछते हैं, इट इज़ कि वो बहुत ज़्यादा किया बहुत कम के लिए, वो रिटर्न आउट का अच्छा नहीं है, आप उतना याद भी नहीं रख सकते, उसको सॉल्व करना मुश्किल रहता है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। मेन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ऐसे स्मॉल जो चीज़ें हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे उसमें टाइम वेस्ट मत करो। थर्ड इज ईयरबुक टाइप, ईयरबुक टाइप इंफॉर्मेशन मतलब भारत की संस्थाएं, जैसे योजनाएं और संस्थाएं, ग्रीन इंडिया मिशन देख लो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देख लो, फिर ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस प्रकार की चीज़ें आपने करनी चाहिए। फ्लोरा फौना तो उसकी थियरी, हैबिटेट, फूड चेन, बिहेवियरल थियरी, जैसे सिम्बियोसिस किसको बोलते हैं, पैरासिटिज्म क्या है, फूड चेन, फूड वेब, कुछ नोटेबल स्पीसीज कहाँ पर मिलते हैं, इतना हमने करना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए, 2013 प्रीलिम में ये पूछा गया,
घड़ियाल, टर्टल, स्वाम्प डियर और इनमें कौन सा एंडेंजर्ड है? जवाब मुझे भी नहीं पता अभी नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ घड़ियाल के बारे में पूछा। फिर 2017 प्रीलिम वापस पूछा, आपको घड़ियाल किधर देखने को मिलेगा? इधर ये मैंग्रोव में, ये चंबल नदी में, पुलिकट लेक में या दीपोर बिल में? तो यहाँ जवाब है चंबल रिवर। तो बोलने का क्या है, घड़ियाल प्रेम इनको मिल गया तो घड़ियाल के बारे में वापस पूछ लिया। ऐसे वल्चर और डाइक्लोफेनाक से उसकी क्यों डेथ होती है, मैंग्रोव के बारे में कंटिन्यूसली पूछ लेते हैं। तो पुराने पेपर सॉल्व करने चाहिए और जो भी टॉपिक पूछे गए हैं उसके आस पास की थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने विकिपीडिया टाइप नॉलेज बेस बनाना है कि अब घड़ियाल कहाँ देखने को मिलता है अपने को, चलो पता होना चाहिए। बट ये बीट करनी का मैंग्रोव, तो वहाँ और कौन सी प्रजातियाँ हैं, पुलिकट में कितनी प्रजातियाँ हैं, दीपोर बिल में कितना कितना, अगर आप खींच के ले जाओगे देर इज़ नो एंड टू इट। बट मेजर तो आपने चीज़ करनी चाहिए, एक बात। अब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक और बेस डिफेंस का कंसेप्ट यहाँ पर भी 2016 प्रीलिम में पूछा, एक खराई कैमल नाम का एक ऊँट की प्रजाति है तो वो दरिया समंदर का खारा पानी पीती है कि नहीं, वो कहाँ रहती है कि नहीं, वो कहीं कोई किताब में, मतलब देट इज़ नॉट अ हॉट टॉपिक लाइक घड़ियाल जो बार बार देखने को मिलता है, सो यू हैड टू लीव इट। उसको नहीं आप सॉल्व कर पाए, डोंट बर्न योर हार्ट ऑन इट। लेकिन साथ ही साथ ये पूछा था कि ये स्टेट बटरफ्लाई कौन से राज्य ने घोषित किया, शायद महाराष्ट्र ने किया था। अब ये वाली चीज़ तो द हिंदू, विजन आईएएस से लेके सभी जगह पे बहुत बढ़ चढ़ के कवर की गई थी, तो आपको ये तो चीज़ पता होनी चाहिए थी, राइट। उसी प्रकार अब 2017 में पूछा, घड़ियाल किधर मिलते हैं, चंबल में मिलते हैं कि नहीं, तो शंकर सर की एनवायरनमेंट किताब जो सब पढ़ते हैं उसमें दिया है, और घड़ियाल पहले भी पूछा था 2013 में 15 में, तो आपको ये पता होना चाहिए था। सो बेसिकली यू हैव टू मेक अ बाउंड्री ऑफ थिंग्स कि मुझे इतना तो करके जाना ही चाहिए। सो लाइक दैट आपने जो तैयारी करनी है एनवायरनमेंट की वो कहाँ से और कैसे, यहाँ पर भी एनसीईआरटी तो मतलब ज्योग्राफी की किताबें, फिर मैंने आपको बताया केमिस्ट्री का वो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर, सिमिलरली एनआईयूएस अगर आपको टाइम मिले, मैं यहाँ पर स्टार कर देता हूँ, तो वो भी सिलेक्टेड कंपोनेंट्स देख लें। एनआईयूएस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़, पीडीएफ फाइल आपको फ्री में उनकी साइट से मिलती है। शंकर सर की किताब वो रट के जानी है, इकोनॉमिक सर्वे और दूसरे ऐसे जो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो सर्वे आते हैं वो आपने करने हैं, एंड इंटरनेशनल समिट्स, इन सब में जो भी पॉल्यूशन के बारे में बात हो और इकोनॉमी, कार्बन टैक्स और ये सारी बातें, ये सब अपना आपका बेस है, आपने तैयार करना है। उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक ये सब में जाना चाहिए कि अब अंडमान में बनाना की नया प्लांट वेराइटी मिला, फिर फ्लोरा फौना में IUCN इसको क्रिटिकली इंडेंजर बोलता है, ये वो करके लंबी चौड़ी अब लिस्ट बनाए, रैंडमली आस्किंग दिस अबाउट अस ऑर्गेनाइजेशन, ये GACCN एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें मतलब लो प्रायोरिटी, बाद में पहले आप इतना तैयार करो, उसके बाद ये सब सपने देखने चाहिए। सो दैट वॉज एनवायरमेंट। नाउ मूविंग टू दी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर जनरल स्टडीज प्रीलिम पेपर 1 100 सवाल होते हैं। 2013-14 आप पाएंगे दैट वॉज आई वुड से गोल्डन पीरियड। वैसे सवाल आपको क्वांटिटी में कम दिखते थे लेकिन गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि बहुत इजी थियरी पूछते, व्हाट इज CRR, व्हाट इज SLR, बुद्धि का अपमान हो, ऐसे आसान सवाल आते थे। धीरे धीरे फिर पनौती काल शुरू होता है, मतलब प्रश्न की संख्या तो बढ़ी बट वो धीरे धीरे ऐसे हैं कि जहाँ पर थियरी तो बहुत कम रहती है, जैसे कि 2018 प्रीलिम 25 सवाल, तो 25 में से आप पाएंगे 7 थियरी के, बाकी 18 ऐसे थे करंट एंड कंटेम्पररी अफेयर्स। अब इसकी तैयारी में जो चीज़ें काम की नहीं है वो पहले मैं आपको बता दूँ। उमा कपिला इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस नॉट रिक्वायर्ड, दत्त सुंदरम इंडियन इकोनॉमी सिलेक्टेड चैप्टर्स, पॉवर्टी, सब्सिडीज, वो सब आपको टाइम मिले तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। इसका कारण ये है मित्रों, इन्होंने किताब करीब 2000 के आसपास लास्ट में दिमाग से अपडेट की होगी, बाकी की जितनी अपडेट आती है उसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केवल टेबल अपडेट करते हैं, तो बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सर्वे और वो सारी विभावनाएं वो बराबर है नहीं। सो फॉर प्रीलिम मेंस उसकी उपयोगिता कम है। प्रतियोगिता दर्पण वाले इंडियन इकोनॉमी करके बहुत सारा डेटा बेस के साथ एक इशू निकालते हैं, बट ऐसा डेटा ड्रिवन प्रश्न उपयोगिता नहीं है। देन दिस रमेश सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था, एक ज़माने में अच्छी किताब थी बट अभी धीरे धीरे नई एडिशन में तकलीफ यह है कि बहुत सारे गवर्नमेंट रिपोर्ट सीधे के सीधे ही पैराग्राफ डाल दिए हैं, तो वो पढ़ाई में रिवीजन में पहले जितना मज़ा नहीं रहा है। तो फिर तैयारी करनी क्या है, एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए एनसीईआरटी से लेके कहीं यूट्यूब वीडियो देख के कैसे भी,
बजट स्पीच तैयार करनी है, इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना है, योजना कुरुक्षेत्र पिछले एक साल का करना है, इसके आसपास आपने जो समझ लिया दैट इज योर बेस डिफेंस, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक और मतलब नंबर्स में रटने जाओ वो काम का नहीं है। अब बजट आने वाला है तो प्री बजट कंसल्टेशन बोल के बहुत सारे इस उद्योग को इतनी सब्सिडी और ये वो करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। SBI और RBI की ये सब टेक्निकल कंसल्टेशन पेपर्स नॉट रिक्वायर्ड। डेली कॉमेंट्री की FRDI बिल में ये हो रहा है, GST में ये हो रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। जो है बजट और सर्वे में बोला दैट इज बेस राइट। उसके अलावा जो कंसेप्ट करंट कंटेम्प्रेरी इशू चल रहे हैं वो आपने करने हैं। इस बाबत मुझे ये आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आई एम लॉन्चिंग माई लाइव क्लासेस ऑन दिस सेम अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमी फ्रॉम 5th January। ये 5 January से शुरू होंगे। अच्छी बात इसकी ये है कोर्स टाइमिंग शनिवार शाम को 2 घंटे होंगे, रविवार सुबह 2 घंटे होंगे। अगर आप मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो भी इसको इंजॉय कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑन द वीकेंड्स। ये सभी क्लास अगर आप मिस कर दिए रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। जो मित्र पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द मीडियम, सो द टीचिंग मीडियम विल बी अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। द पावर पॉइंट जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखता है PDF, उसके हैंडआउट्स वो भी इंग्लिश में होंगे, बट उसमें अच्छी बात ये होगी कि जो भी टेक्निकल टर्म्स है इकोनॉमी की उसके हिंदी ट्रांसलेशन आपको उस मटेरियल में ही होंगे। सो देयरफॉर आपने अगर गुजराती हिंदी मराठी कोई भाषा में मेंस लिखनी है तो इकोनॉमी GDP का क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद वगैरह, वो आपका समय बच जाएगा। एंड दिस PDF हैंडआउट्स विल बी अवेलेबल टू यू बिफोर द क्लास, और वो मतलब इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया है कि सीधा एग्जाम के पहले उसको आप रिवाइज कर सको। बिकॉज वीडियो तो समझिए कि 50-60 घंटे के, लेकिन परीक्षा के 10 दिन पहले आप कितने वीडियो देखोगे, पावर पॉइंट तो एक पावर लेक्चर की 100-150 स्लाइड वो कितना राइट। बट आई हैव डिज़ाइन दिस PDF हैंडआउट्स इन सच मैनर कि आप उसका जल्दी से रिविजन परीक्षा से पहले कर पाओ। सो दैट वॉज ऑन इकोनॉमी। नाउ मूविंग टू द पॉलिटी हिस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। लेकिन साथ ही साथ मुझे या फी वो आज जिन्होंने पूछा आदित्य हसमुख एंड ऑल अदर पीपल, द फी इज़ अराउंड 8,300 रुपीज़, बट उसमें भी वो शुरू में कम रहेगी, फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो वो फ़ी बढ़ा देंगे। सो आज शाम को ये लाइव होने वाला है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको आज जब हो तो वो कर लेना। नाउ पॉलिटी हिस्ट्री साइंस एंड करंट अफेयर्स। अब मुझे ये जोखिम दिख रहा है कि अपना 4 मिनट ही बाकी है ऑनलाइन लाइव क्लास में। अब मुझे ये नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा, अचानक से विंडो बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको फेसबुक में ये पूरी पावर पॉइंट अपलोड करके रखी है। सो ओके इट विल कंटिन्यू नमन एंड दीपिका गुप्ता एंड अदर, ओके देन इट इज़ गुड। तो फिर मैं थोड़ी और आपको बात कर सकता हूँ आराम से। या दिस पॉलिटी हिस्ट्री साइंस एंड करंट अफेयर्स। अब हम ये करेंगे कि मैं आपको बहुत जल्दी से इन पे मैं बात करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो डिटेल बातें करनी है उसके लिए अलग से 1 घंटे का स्पेशल लाइव क्लास हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वरना ये होगा कि आप में से कुछ विद्यार्थियों को जो ऑफलाइन जाना होगा तो फिर लगेगा सर ये आपने पढ़ा दिया और हम रह गए वगैरह। बट क्विकली आई विल समराइज दिस थिंग। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत रट्टा मारो जिंदाबाद, लेकिन उतना केवल काफ़ी नहीं है। लक्ष्मीकांत के अलावा इंडिया ईयरबुक 2019 जब आए तो उसका चैप्टर 2, 3, 20, 28 ये भी रट्टा मारो जिंदाबाद करना है। जो कानून पास कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिए हैं, वो आपने तैयार करने हैं फॉर प्रीलिम एंड मेंस बोथ। NCERT पॉलिटिकल साइंस 11, 12 ये भी तैयार करनी है। सोशल साइंस का अगर समय मिले तो देखना, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं। अब पॉलिटी में लोगों बाउंड्री डिफाइन नहीं करते, ये सब मतलब पाकिस्तान का इलाका देखो इधर, आर्कियोलॉजी बिल राइट, तो वो ऐसी कुछ उसमें चर्चा चल रही है कि 100 मीटर के आसपास आप मॉन्यूमेंट के आसपास कुछ होटल बना सकते नहीं बना सकते। अब ये बिल अभी जब तक पास नहीं हो जाए तो इसकी डिबेट ही चलेगी, तो प्रीलिम के लिए वो उतना उपयोगी नहीं है। ट्रिपल तलाक बिल एक बार समझ लिया फिर हर रोज़ उसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बिल जिसमें कुछ ऐसी बात थी कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टर को भी वो MBBS जैसा कुछ दवाई लिख सकता है, अबॉर्शन कर सकता है, व्हाटएवर ब्रिज कोर्स करने के बाद, बट दैट वाज अ बिल, वो अभी पास होगा नहीं होगा उसके बाद की बात। सो दीज आर ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस, दे आर मोर रेलेवेंट फॉर इंटरव्यूज। मीन्स में भी ऐसे कम ही देखने को मिलते हैं, MCQ में तो बहुत कम उपयोगिता है। तो अभी से ऐसी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले अपना बेस आप सिक्योर करिए, फिर ये राज्यसभा और ऑल इंडिया रेडियो और वो सब बात की बातें हैं। प्रीलिम 2017 में एक प्रश्न था इंटरेस्टिंग, राइट टू वोट इज़ व्हाट,
फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट. तो एनसीईआरटी क्लास 9 उसके अंदर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. बहुत इसमें ऑनलाइन फॉरम में लड़ाई चली थी कि नहीं ये तो लीगल राइट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट में बोला था, बट अल्टीमेटली यूपीएससी सेड दिस इज करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो ये क्लास 9-10 इसकी सोशल साइंस किताब की जो पॉलिटी कंपोनेंट है, अंत में जब समय मिले तो देखना, अभी से देखने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़ी होगी, तो वो मतलब बुद्धि का अपमान हो ऐसा लगता है, बट लास्टली देख लेना. इंटरनेशनल रिलेशन में प्रश्न पूछ रहे थे लोग क्या करना है. इंडिया ईयरबुक सरकार की जो आएगी 2019, उसमें भी अपने फॉरेन रिलेशन के बारे में चैप्टर होगा, बट वहाँ से कोई प्रश्न आते नहीं. लेकिन उसके अंत में जो डायरी ऑफ इवेंट होती है कि ये वाले नेता भारत में आए, भारत के नेता इधर गए, वो जरा देख लेना. विजन आईएएस और ये सभी लोगों के जो पीडीएफ कंपाइलेशन होते हैं, तो नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन विजिट्स बराबर डिफेंस ड्रिल्स पीडीएफ ये सब करना है. पवनीत सिंह की किताब वो आप पढ़ सकते हो फॉर मेंस एग्जामिनेशन. राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, वो आप रिफ़र कर सकते हो. इसके आसपास आपने मतलब कि जो भारत के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है ऐसी चीज़ आप तैयार करें, ना कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग वो आपस में क्या तू तू मैं कर रहे हैं, उससे भारत को क्या असर, इतना ही हमने तो तैयार करना है. ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, भारत के बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड एलाइज, पीआईबी, और वहाँ पर तो आपको पाएंगे बुर्किना फासो के फाइनेंस मिनिस्टर भी भारत में आए, तो वो सब कुछ काम का नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो. डिफेंस में हाँ, कौन सी नोटेबल अपने मिसाइल हैं, एक्सरसाइज हुई वो बराबर, लेकिन मिसाइल का कितना एग्जैक्ट वेट और सबमरीन की कितनी एग्जैक्ट रेंज ऐसा पूछा था एक बार, लेकिन वो प्रश्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसा ट्रिवियल में आप टाइम वेस्ट मत करना. नमन गोयल ने पूछा, प्रतीक नायक क्लासेस ऑन योर चैनल आर रेलेवेंट? यस देर आर रेलेवेंट. ये पीआईबी आरएसटीवी एआई वो डेली बेस पे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है लोचन, वो आप मतलब महीने में जो जो लोग कंपाइल करके देते हैं बहुत सारे ऐसे फ्री में आपको मिल जाएगा, उसमें आपने देख लेना चाहिए. वो डेली नो, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, योर फर्स्ट प्रायोरिटी की प्रीलिम का अपना अच्छे से तैयारी हो जाए, ये सब बाकी सब आनुषंगिक चीज़ें मैं बोलता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट मत करो. सो दैट वॉज पॉलिटी. नाउ हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में या सॉरी ये कुछ हो गया था, बट ये वापस आ गया. ओके ओके इट इज़ कमिंग. हाँ मुझे लगता है ये एक घंटे का क्लास था तो वो रिकॉर्डिंग एंड हुआ ऐसा बोलने के लिए वो कुछ बफर हो रहा. आई होप इट इज़ नाउ वर्किंग. लेट अस वेट फॉर सम मिनट्स ताकि अपने मित्रों को. अच्छा ये आपको सुनाई दे रहा है, इज़ इट रनिंग? ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ मित्रों, तो ये जो अपना प्रश्न अब की हिस्ट्री कल्चर में क्या करना है, पहली बात की पुरानी एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको लंबी चौड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, बट एट द मोमेंट बस आप समझ लिए पुरानी एनसीईआरटी का काम नहीं है. तमिलनाडु क्लास 11 12 की टेक्स्ट बुक्स जो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन तो मतलब तमिलनाडु में हो तो मिल सकते हैं, इंग्लिश में है. दे सर्व एज गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी जहाँ तक कि फैक्चुअल और जीके कंटेंट की बात है, मतलब किंग बैटल ट्रीटी फ्रीडम स्ट्रगल वो सब उधर से आ गया. नई एनसीईआरटी उसमें सोशल साइंस क्लास 7-10 करना है, 10, 11 और 12 वहाँ पर कुछ ऐसा पोर्शन जो आपको लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशन, कोल्ड वॉर और वर्ल्ड हिस्ट्री अभी काम का नहीं, बट एक बार देख लेना चाहिए. पर हाँ ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बोल के जो एंशियंट मीडिवल और फ्रीडम स्ट्रगल है वो तो करना 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 ही है. एनआईयूएस कल्चर पीडीएफ समय मिले तो करना, अदरवाइज नितिन सिंघानिया इज़ वेल एंड गुड. उसके अलावा कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं और क्या, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ. इसका कारण ये कि अपनी अन अकेडमी की जो फ्री ऐप है वहाँ पर मेरी एक T25 टेस्ट सीरीज़ और वहाँ 9th नंबर का वीडियो आर्ट कल्चर हिस्ट्री प्रिपरेशन एंड पिटफॉल्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, वो 15 मिनट के वीडियो में मैंने डिटेल में ये बात करी है कि हिस्ट्री में क्या करना है, पुरानी एनसीईआरटी क्यों काम की नहीं और वगैरह वगैरह. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट ताकि अपने समय का सदुपयोग हो के आगे की बात हो जाए. साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए, बोन वीकनिंग इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, ऐसा यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा, कैल्शियम फॉस्फोरस नाइट्रोजन कार्बन. तो लोग लिख देते हैं ओके ओनली कैल्शियम, नो आंसर इज 1 और 2 क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा बोला है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों से ही अपना बोन एंड बोन कार्टिलेजर मेड और उसके एक चलते अपने हड्डियों में कमजोरी आती है. एनसीईआरटी 7-10 पढ़नी है, साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ. 11-12 सिलेक्टेड जो मैंने बताया एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है,
कंटेम्पररी इश्यूज़, मतलब 2-3 साल पहले जो मंगलयान चंद्रयान ऐसा हुआ था उसके बारे में भी प्रश्न आता है। तो रवि अग्रहारी की किताब इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन, आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस, विजन, दृष्टि, जो ठीक लगे आप यूज़ करो। साइंस टेक्नोलॉजी में प्रायोरिटी क्लियर क्या क्या करना चाहिए, तो पब्लिक हेल्थ में वायरस जीनेटिक इंजीनियरिंग टाइप का जो करंट कंटेम्पररी इशू है। स्पेस के अंदर इसरो, नासा एंड यूरोपियन यूनियन डिक्लाइनिंग ऑर्डर में, मतलब इसरो का सबसे ज़्यादा करो, टाइम मिले तो नासा करो, यूरोपियन फिर भी टाइम मिले तो। उसी प्रकार फिजिकल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो एक चीज़ करनी चाहिए। ICT में ई गवर्नेंस टाइप के जो पोर्टल ऐप लॉन्च हुए हैं, वैसे तो इकोनॉमी ईयरबुक भी बोल सकते हैं बट ICT में इधर भी जोड़ दो। देन ये लाइफाई प्रोजेक्ट लोन और ऐसा पूछा जाता है जो कि 1-2 साल पुरानी चीज़ें हैं, रवि अग्रहारी और दूसरी किताब में आपको मिल जाएगी। तो साइंस टेक्नोलॉजी में आप जरा पेपर देख के इतना एरिया बना लो, हर एक छोटी छोटी चीज़ अपने लिए काम की नहीं है। आगे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब UPSC में क्या है, तो ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी मतलब अभी World War I या II के जो 100-200 साल अगर हुए हों तो उसके अनुसार कमोमरेशन सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, ऐसा कुछ पूछ ले तो दैट इज़ रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये इतना ही है करंट अफेयर्स, इधर कौन बनेगा करोड़पति नहीं है। पर्सन इन न्यूज़, ये किसने अपॉइंट किया, मतलब कौन है अपना CEC या जनरल कौन है, डायस्पोरा सिविलियन अवार्ड, क्विक डेथ, डिजास्टर, ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं। देन बुक्स, ऑथर्स, लिटरेचर, मूवीज़, अवार्ड्स, ये भी सिविल सर्विस IAS की परीक्षा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछते हैं। मूवीज़ जैसे कि एक था कुछ मैथमेटिक्स, रामानुज के बारे में थी, प्रश्न पूछा गया, बट रेयर केस। स्पोर्ट्स में पहले एक ज़माना था कि लॉन टेनिस का सवाल आएगा 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 ही, आजकल तो स्पोर्ट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस दिखता ही नहीं है। बिजनेस GK की, कौन सी बैंक का कौन है CMD, ये सब काम का नहीं। डिफेंस के कुछ अपने लिए काम के हैं कि ये मिसाइल और ये अपना एक्सरसाइज हुआ था। सो लाइक दैट यू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स। सोर्सेज में अभी आपको बताता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह नॉन UPSC के लिए, UPSC में आप विजन IAS तो वो PDF आपको मंथली फ्री में मिल जाता है। हिंदी में अगर आपको चाहिए तो दृष्टि IAS भी है वगैरह वगैरह। UPSC प्रीलिम पहले 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स और उसके पहले का भी कंटेम्पररी तो करना ही है। नाउ एटीट्यूडनल पिटफॉल्स, उसी में मैं नोबेल प्राइजेस, नीरज कुमार ने पूछा, अब हर साल नोबेल प्राइजेस में ये टेक्नोलॉजी को मिला, मतलब प्रश्न आना चाहिए इस टेक्नो, मतलब ये गिनती से लोग करते हैं बट आई वुड से कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछा जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं तैयार करना है, करके जाना, बट वो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये फिजिक्स या मेडिसिन में ये था। बाकी मलाला यूसुफ जाई और कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज मिला, और इस बार जिनको मिला है एक डॉक्टर और वो ISIS स्लेव को, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी अनलाइकली। या एटीट्यूडनल पिटफॉल्स, एटीट्यूडनल पिटफॉल्स में मैं बात करना चाहता था नोट्स मेकिंग। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, विजन, इनसाइट, IAS बाबा, मैं कहता हूँ जितने भी मंदिर हैं जहाँ से भी आपको फ्री मटेरियल मिल रहा है या आपको जो क्वालिटी अच्छी लगती है आप पैसे से खरीद रहे हैं, हर एक मंदिर में जाके माथा टेकना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं। तो पढ़ना तो सब चाहिए, नोट्स नहीं बनानी चाहिए। नोट्स इसलिए नहीं बनानी चाहिए, सपोज़ आप ऐसा सोचे कि मैं द हिंदू रोज़ पढ़ूंगा और रोज़ के रोज़ मैं उसमें से हिस्ट्री का, ये पॉलिटी का, इकोनॉमी का ये नोट्स बनाना शुरू करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे अल्टीमेटली योर नोट विल लुक ऑलमोस्ट सेम लाइक दिस विजन IAS एंड दृष्टि IAS मटेरियल, राइट। तो जब आपको डाइजेस्टेड मटेरियल मिल रहा है तो आप खुद से वो, डोंट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील। सेकंडली, ये GK टुडे, इनसाइड, विजन, IAS बाबा, दृष्टि, ये सभी के मटेरियल, अब ऐसा भी नहीं कि ये 5 PDF मैंने जमा किए मंथली करंट अफेयर्स, उसको कंपाइल करके मैं अपना छठा अपनी जोरदार नोट बनाऊं कि कुछ तो ऐसा होगा जो दृष्टि में लिखा होगा लेकिन विजन में नहीं होगा, तो मैं अपनी सीक्रेट नोट बना लेता हूं ना, तो बाकी से मेरा नंबर आगे आ जाए। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, वो हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस जैसा, कि मेरी एकदम जोरदार सुपर नोट मैं बना दूं। डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। उसका मैं आपको कारण बताऊँ यहाँ पर। देखिए, प्रीलिम 2018 थियरी के 51 क्वेश्चन थे, उसमें ईजी 18 थे, मीडियम 6, टफ 6, टफ 27। करंट अफेयर्स 13 थे, मतलब पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, ये जो PDF टाइप की आप बात करते हैं। कंटेम्पररी अफेयर्स, अब कंटेम्पररी अफेयर्स मतलब पिछले 5 साल का भी, चंद्रयान, मंगलयान, बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप कंटेम्पररी की बात करेंगे तो उसमें PDF भी आता है ऐसा मटेरियल, उसके अलावा इंडिया ईयरबुक, मतलब ईयरबुक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम्स, ट्रीटीज़, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, जिसमें किताबें भी आपने पढ़नी, ऐसा नहीं कि केवल इतना मटेरियल से हो गया। एनीवेज, तो करंट कंटेम्पररी कंबाइंड सम 49 क्वेश्चंस,
जिसमें इजी 14 थे, मीडियम 16, टफ 19. कुल मिला के जोड़ो आप तो 100 सवाल 2018 की प्रीलिम के 32 आसान थे, 22 मीडियम थे, 46 टफ थे. इट वॉज क्वाइट टफ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. तो बोलने का मतलब ये है कि थियरी में भी आपने लेफ्ट राइट करना है, कंटेम्पररी में भी लेफ्ट राइट करना है, जो कि किताबों में होता है. तो केवल ये करंट अफेयर्स के PDF और मैं उसमें से अपना सुपर नोट बना दूँ 5 PDF से छठा, उसमें यू हैव टू यूज़ योर टाइम अकॉर्डिंगली. जनरल स्टडीज़ की जितनी भी बुक है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, सभी उसमें हाइलाइटर यूज़ करो, मार्जिन में 2-4 लाइन लिख दो, उसमें से नई नोट मत बनाओ. नितिन सिंघानिया ने जो किताब बनाई वो उसकी रिवीजन नोट ही है, तो ऐसा नहीं कि उसकी आप फिर से रिवीजन नोट बनाओ, विल रिवीजन न करो. ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है, आई वुड सजेस्ट उसमें फुल लेंथ ऑप्शनल सब्जेक्ट की नोट्स बनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको वो काम में आएंगी मार्क्स खींचने के लिए. बाकी सब में नोट्स बनाने का एक ज़माना था, बट अब इतना बड़ा सिलेबस है कि नोट्स बनाना फिजिबल नहीं है, अदर देन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. क्योंकि मित्रों, जो भी आपने पढ़ा सुना देखा है उसका स्ट्रक्चर्ड कंपाइलेशन करके 2 बार रिवीजन किया तो ही परीक्षा में काम में आएगा. बाकी ऐसा सब गीगाबाइट्स ऑफ डेटा आपने जमा करते रहे तो परीक्षा की अगली रात मुझे क्या करूँ क्या पढ़ूँ, इट विल बिकम अ नाइटमेयर. ये अब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे टाइम वेस्ट मत करो. ऑनलाइन फॉरम में कट ऑफ और ये सब बातें चलती, ऑप्शनल होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिए. आप क्लटर्ड वर्क स्पेस इज ऑल्सो अ बैड थिंग. ये सभी बच्चे देखो एक एक किताब लेके पढ़े, एक साथ एक काम हो सकता है. दिस जेंटलमैन देखो ये कितना सारा इसने जमा कर दिया है. जब ऐसा होता है तो ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ क्या करूँ, राइट, डिफिकल्ट टू कॉन्सनट्रेट. तो हमेशा टेबल क्लीन कर रखो, एक ही किताब एक साथ आप करो. कोचिंग लोग ज्वाइन करते हैं बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, पीपल क्यों फेल होते हैं, आई वुड लाइक टू स्पीक अ फ्यू थिंग्स ऑन दैट. शुरू में लोग अटेंडेंस अच्छी होती है, बट उसके बाद एब्सेंटिज्म इंक्रीजेस. अच्छा, शनि रवि रजा है, सोमवार को हिस्ट्री वो तो मैंने पढ़ लिया है, मंगलवार को पॉलिटी वो तो लक्ष्मीकांत कर लिया है, और फिर बुधवार को तो देखा जाएगा. ऐसा करके लोग वीकेंड पे घर चले जाते हैं और अपना दिल बहलाने के लिए किताबें और कुछ न्यूज़पेपर लेके जाएंगे, बट वो कुछ पढ़ाई हो नहीं पाती. आपने ऑनलाइन कोई भी मॉक टेस्ट सब्सक्राइब किया है तो फिर वो जब परीक्षा है उस टाइम देना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसको फिर मैं घर पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि फिर आपको बाथरूम ब्रेक भी लगेगा, पानी भी पीना है. रियल एग्जाम में तो 2 घंटे बैठ के 100 सवाल करने, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी एनर्जी है लास्ट क्वेश्चन में उतनी नहीं होगी. सो सिमिलरली यू हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड विद सिंसियरिटी. लेकिन केवल ये अब सबके मुफ्त में पायरेसी में मिलते हैं तो बस ऐसे ही देखते रहो, दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड. बहुत सारी परीक्षाओं के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए. रॉजर फेडरर भी अपना फर्स्ट रैंकिंग बनाए रखने के लिए सारे टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लेता, ताकि उसको रिकवर होने का, तैयारी करने का मौका मिले. तो 3-4 बड़ी एग्जाम आप पकड़ के रखो, हर एक चीज़ पे फिर घुस नहीं जाना चाहिए. और जो भी परीक्षा दी उसका एनालिसिस करो. अभी GPSC प्रीलिम 2018 में एक प्रश्न था, व्हाट इज दिस कलारीपयत्तू. कलारीपयत्तू यू आर अवेयर केरला का वो मार्शल आर्ट है. तो अब अगर किसी ने तैयारी नहीं करी हो लेकिन वो टाइगर श्रॉफ का कोई पिक्चर देखा हो, ऐसे ही घूमने के लिए गया, उसको भी पता होगा, तो उसका वो एक सवाल सही हो गया तो वो ये समझता है मेरी पूरी परीक्षा बहुत जोरदार गई, और फेल में हुआ तो वो तो बस ऐसे ही. सो दे आर नॉट एनालाइजिंग द पेपर्स लाइक दैट, उस कारण से भी वो बार बार परीक्षा देते हैं, फेल हो जाते हैं. एटीट्यूडनल पिटफॉल्स में एक दूसरा भी आंसर राइटिंग लोग बहुत, जैसे कि दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, प्रीलिम का सिलेबस वो एवरीथिंग इज सेकेंडरी. भाई इतने सालों से मॉक टेस्ट, मुख्य परीक्षा के उसके आंसर राइटिंग वगैरह क्लासेस भी मैं कंडक्ट करता हूँ, मैंने ज़्यादातर ये देखा है लोग अपना पेपर लिख के, सर ये देखो मेरा, चेक करके दो. तो जो लोग सबसे ज़्यादा पीपुड़ी बजाते हैं कि मुझे मेंस की आंसर राइटिंग करती है, जिस दिन वो मॉक टेस्ट का आयोजन होता है दे रिमेन एबसेंट, या फिर लिखते हैं उनके पास कंटेंट नहीं होता है, एक ही मुद्दा बार बार लिखते हैं क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गए उनका कंटेंट, रियल प्रश्न पूछा वो कवर नहीं कर पाते, एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं, पान की दुकान टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं. दिस थिंग्स अराइजिंग बिकॉज उन्होंने पहले सिलेबस कम्प्लीट नहीं किया. प्रीलिम का सिलेबस, मेंस का सिलेबस एक बार बराबर से कम्प्लीट करो. कम से कम 3 महीने के आप न्यूज़पेपर और 1 साल के योजना कुरुक्षेत्र ये सब पढ़ के फिर आप कुछ करो तो काम की चीज़ है. अभी से सीधा बोल दिए कि मैं मेंस आंसर राइटिंग करूँ, दैट इज़ नॉट यूजफुल. योजना कुरुक्षेत्र का भी महत्व है ऐसे, और मुख्य परीक्षा के बहुत सवाल है ऐसे सवाल है कि उसमें सीधा ही आपको मिल जाता है. बट पिटफॉल यहाँ पर यह है कि लोग सीधा माइंड मैप और बुलेट पॉइंट वाले रिवीजन नोट देखते हैं. पहले आप पूरी मैगजीन पढ़ना शुरू करो, यू विल कल्टिवेट ए पर्टिकुलर वोकेबुलरी सेंटेंस, उसके बाद ये सब करना चाहिए, रैपिड माइंड मैप वगैरह जो मिलते हैं फ्री में. एटीट्यूडनल पिटफॉल में पेपर 2 को नेग्लेक्ट करना. आपको पता होगा कि उसमें केवल 33% पासिंग मार्क लाने, मतलब 67 मार्क्स होता है. लेकिन
धीरे धीरे इसमें भी यूपीएससी ने बहुत टफ शुरू कर दिया है। 2017 प्रीलिम देखो, पेपर टू की बात है, कॉम्प्रीहेंशन 31 पैसेजेस, लेकिन उसमें 29 पैसेजेस ऐसे थे 70 to 150 वर्ड्स का पैसेज और एक ही सवाल, तो इतना बड़ा पड़ा और एक सवाल उसमें से आपका होता है, तो सोचो कितना सारा टाइम आपका चला जाता है। तो मैथ्स रीजनिंग लोग टाइम मैनेजमेंट करते नहीं और फिर 67 क्रॉस करने में भी तकलीफ होती है। सेम प्रॉब्लम सम पीपल हैड ऑन दिस 2018। तो कॉम्प्रीहेंशन, अजम्पशन, इन्फरेंस, ये सारी चीज़ें मतलब वो आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिपीटेड फेलियर, वैसे बहुत सारी बातें थी बट टाइम का तकादा है, सो आई विल क्विकली सम अप दिस। पहले अटेम्प्ट में सक्सेस रेट आप देखिए, मतलब जो 1000 लोग यूपीएससी में पास हुए उसमें से 15% ऐसे होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, 26% सेकंड अटेम्प्ट वाले, 26 थर्ड अटेम्प्ट वाले, और फिर धीरे धीरे ये ग्राफ कम होता है, मतलब बेल शेप कर्व है। शुरुआत में संभावना फिर धीरे धीरे बढ़ती है, क्यों? क्योंकि वो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाला है, उसके पास ज़्यादा कंटेंट होता है, वो अच्छा लिख पाता है, बोल पाता है वगैरह। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग पास तो होते ही हैं, आपके रोमन साइनी और बहुत सारे लोग, सो वी मस्ट ऑलवेज ट्राई फॉर दैट। बट उसके लिए आपकी तैयारी सही हो वो ज़रूरी है, खाली फोकट में यहाँ वहाँ आप घूमते रहो उसका कोई काम नहीं। एंड लास्टली 2017-18 की आप देखिए, सिविल सर्विस में कुछ 1100 वैकेंसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 609, LIC ऑफिसर 650, CDS 1000, SSC CGL 3800, SBI ऑफिसर 2300, बैंक के ऑफिसर 8800, SBI क्लर्क 17000, बैंक क्लर्क 19000, रेलवे, सैनिक, नाविक, स्टेट, PCS, कुल मिला के 200000 के करीब रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है, और उसमें 55000 तो ऑफिसर टाइप के कुछ मुझे दिखते हैं। सो ऑफिसर एंड दिस सेंट्रल सर्विसेज, जहाँ पर पे पैकेज एंड एवरीथिंग इज सो फाइन। तो मेरा बोलने का अंत में ये है कि आज रविवार का दिन था, फिर भी आप लोग छुट्टी में चाहते तो सो सकते खा पी के, बट आप एक घंटे यहाँ तक बैठे और आपने ये पढ़ा, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो अपना नंबर लगना चाहिए। ऐसी तैयारी के साथ आप सब तैयारी करें एंड आई वुड उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।